चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रश्नावली 1.1 और प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग टू z, यानी x जो भी प्रत्येक अवयव है वो z को बिलोंग करता है। और z हमारा क्या है? z हमारा पूर्णांक समुच्चय है ना, जहाँ ये जो x है वो 0 और 12 के बीच में है और 0 और 12 भी है। मैं दिए गए निम्न संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, यानी यहाँ पर हमें जो ये दो संबंध दिए हुए हैं वो क्या होने चाहिए? तुल्यता संबंध होने चाहिए, वो हमें सिद्ध करना है। और इसी के साथ प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को भी ज्ञात कीजिए। और इस प्रत्येक दशा में हमें ये भी बताना है कि इस एक से संबंधित कौन कौन से अवयव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ये जो पहला रिलेशन है, पहला संबंध है, उसे हम बताएंगे। इसमें हमें दिया हुआ क्या है? हमें दिया हुआ है कि ये जो x है वो पूर्णांक समुच्चयों का समुच्चय है ना। और ये x जो है, कंडीशन भी दी हुई है कि वो 0 से लगाकर 12 तक संख्या तक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा जो एक संबंध R है वो किसका उपसमुच्चय है? z क्रॉस z का, जहाँ ये प्रत्येक x जो है वो कहाँ से लिया गया है? पूर्णांक समुच्चय में से लिया गया है। और ये जो x है वो 0 से लगाकर कहाँ तक है? 12 तक है। अब हमें ये जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है कि जो ये R है वो a कॉमा b के रूप में है, यानी क्रमित युग्म के रूप में है, जहाँ a माइनस बी, यानी a में से b को घटाने पर आपको क्या मिलेगा? 4 का एक गुणज मिलेगा, 4 का एक गुणज मिलेगा। तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा? हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों ही बताने पड़ेंगे कि ये संबंध जो है तीनों के लिए क्या है? सत्य है। तो पहले हम स्वतुल्यता की जांच करते हैं कि स्वतुल्य है या नहीं है। देखो, ये प्रश्न आपको कब समझ में आएगा? जब आप इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 9-8 तक के सारे प्रश्न देखेंगे। और वो आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ जाकर जो है ये तीनों ही वीडियो एक बार देख लो। तो स्वतुल्य होने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि अगर क्रमित युग्म a कॉमा a के रूप में हमें मिले तो वो क्या हो जाएगा? वो स्वतुल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, a कॉमा a बिलोंग्स टू R है ना। क्यों है? इस संबंध को ये बिलोंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये नियम का पालन करता है। और नियम क्या है? a माइनस बी, यानी a में से b को घटाने पर। अब यहाँ b क्या है? b भी a ही है। तो अगर मैं a में से a को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0। और 0 जो है, जो कि 4 का क्या है? जो कि 4 का एक गुणज है। ध्यान रखना, 0 सब संख्या का गुणज होता है, 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, सबका गुणज होता है। तो क्योंकि यहाँ a खुद में से खुद को घटाने पर 0 मिलेगा, तो ये क्या होगा? 4 का एक गुणज होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ R जो है वो क्या है? स्वतुल्य है। R स्वतुल्य है। फिर हम सममित के लिए चेक करेंगे। तो सममित के लिए क्या नियम होता है? सममित के लिए नियम होता है कि अगर मेरे पास यहाँ दो अवयव हो, जैसे 0 से 12 लगाकर कोई भी दो अवयव मैं ले लेता हूँ, a कॉमा b मान लो, है ना, और वो अगर बिलोंग करता है R में, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी करने पर मुझे क्या मिलेगा? 4 का एक गुणज मिलेगा, 4 का एक गुणज मिलेगा। तो क्या इसका उल्टा, यानी b माइनस a करने पर मुझे 4 का गुणज मिल सकता है क्या? अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं तो मैं कहूंगा कि b कॉमा a भी इस संबंध को क्या करता है? बिलोंग करता है। तो अब ऐसे प्रश्न आए तो हमें क्या करना है? जैसे यहाँ दे रखा है a माइनस बी और इसका मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है? कि कोई भी संख्या हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो,
इसको हल करने पर उत्तर हमेशा आपका कैसे आएगा, प्लस के रूप में आएगा। तो यहाँ जो हमें दिया हुआ है उसी से हमें उत्तर लाना है। तो हमें दिया है कि a में से b को घटाने पर और उसका मॉड लेने पर हमें क्या मिलता है, चार का एक गुणज मिलता है, चार का एक गुणज मिलता है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ क्या? जैसे यहाँ मान लो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है, माइनस कॉमन लेने पर जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ a माइनस का हो जाएगा और b कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये भी क्या होगा, ये भी आपके चार का गुणज होगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का और ये प्लस का है, तो इसको आगे लिख देता हूँ और इसको पीछे लिख देता हूँ, तो क्या हुआ माइनस बी माइनस ए का मॉड। अब मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी उत्तर है वो प्लस में आता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, बी माइनस ए का मॉड, यानी इस माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब ये सारे क्या है, चार के गुणज लेकर हम चल लेते हैं, तो बी माइनस ए भी आपका क्या आ गया, चार का एक गुणज आ गया। अब इसका मतलब ये है कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करता है आर को। जब ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को और ये नियम यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब बी कॉमा ए भी बिलोंग करता है आर को, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आर यहाँ जो आर है वो क्या है, सममित है। तो हमने प्रूफ किया कि ये स्वतुल्य है और सममित भी है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये संक्रामक भी है। तो देखो अब थोड़ा सावधानी से समझना, आप संक्रामक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीन अवयव लेने पड़ेंगे और तीन अवयव मैं ले रहा हूं ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये तीनों बिलोंग किसको करते हैं, ये तीनों ही बिलोंग करते हैं जेड को, है ना, किसको बिलोंग करते हैं, जेड को या फिर सेट ए को बिलोंग करते हैं, सेट ए को बिलोंग करते हैं। संक्रामक की परिभाषा हम जानते हैं कि इसमें दो चीजें जो होती है वो हमें ऑलरेडी दे रखी होती है, यानी अगर मैं ए का बी से संबंध देखूं तो वो संबंध होगा, और बी का सी से संबंध देखूं तो वो भी संबंध होगा। हमें प्रूफ करना है बी से बी गया कौन बचा, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी जो है वो भी इसमें बिलोंग करता है, ये हमें प्रूफ करना है। यानी अगर ये हम लेके आ जाते हैं तो हमारा जो ये प्रश्न है वो किसके लिए परिभाषित है, संक्रामक के लिए भी परिभाषित है। तो सबसे पहले हम अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो दो अवयव है a कॉमा b, माना a कॉमा b जो है वो बिलोंग करता है r को, तो अगर a कॉमा b बिलोंग करता है r को, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं a में से b को घटा दूँ तो वो क्या आएगा, चार का एक गुणज आएगा, चार का एक गुणज आएगा। ठीक है, अब जब मैं इसको घटाऊंगा तो उत्तर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी a माइनस बी आएगा, वो भी क्या होगा, चार का एक गुणज होगा, समीकरण नंबर एक, ये मैंने समीकरण एक लिया है। अब फिर से हम कहेंगे कि माना b कॉमा c है ना, दूसरा देखो a का संबंध b से लेना है, b का संबंध c से लेना है, तो b कॉमा c बिलोंग करता है अगर r को, तो मैं ये कह सकता हूं कि मॉड b में से c को घटाने पर ये भी हमें क्या मिलेगा, चार का एक गुणज मिलेगा, है ना, और ये अगर चार का गुणज है तो मॉड का मतलब क्या हुआ कि इसको घटाओ उत्तर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी b माइनस c जो भी होगा, b माइनस c जो भी होगा, मैंने मॉड हटा दिया है ना, b माइनस c जो भी होगा वो क्या होगा, चार का एक गुणज होगा, समीकरण नंबर दो। अब मैं समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, यानी जोड़ रहा हूं, तो समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है a माइनस बी प्लस समीकरण दो क्या है, b माइनस सी, और ये दोनों ही क्या है, चार के गुणज है। अब आप बताओ चार का गुणज का मतलब होता है चार का पहाड़, है ना, चार एकम चार, चार दुनिया आठ, चार त्रिया बारह, तो अगर मान लो ये चार का गुणज है, जैसे मान लो कोई भी संख्या b में से c को घटाने पर 16 आती है,
और ए को बी में से घटाने पर मान लो 8 आती है, और ये दोनों ही क्या है, 4 के गुणज है, तो 16 और 8 को जोड़ने पर कितना आया, 24। तो ये भी क्या आया, 4 का गुणज ही आया, है ना। तो इन दोनों को जोड़ने पर भी मुझे क्या मिलेगा, 4 का एक गुणज ही मिलेगा। तो मैं यहां कहूंगा कि ये जो होगा इसको घटाने पर वो भी क्या होगा, 4 का एक गुणज होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो b से b कट गया है ना, और ये भी क्या होगा, 4 का एक गुणज होगा। तो a माइनस सी क्या होगा, 4 का एक गुणज है, क्या होगा, 4 का एक गुणज है। अब a माइनस सी क्या है, प्लस का है, तो क्या मैं इसको मॉड में नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ मॉड a माइनस सी भी क्या है, 4 का एक गुणज है। अगर मॉड a माइनस सी 4 का एक गुणज है, तो a कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करता है R को। अब यहाँ a कॉमा बी बिलोंग करता है R को, b कॉमा सी बिलोंग करता है R को, और a कॉमा सी भी बिलोंग करता है R को। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए R संक्रामक है, R क्या है, संक्रामक है। अब यहां पर प्रश्न ने कहा था कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए, यानी एक से संबंधित अवयव को भी हमें ज्ञात करना है, यानी कि एक को हमें ध्यान में रखते हुए ऐसी संख्या सोचनी है जो क्या हो, 4 का एक गुणज हो, जो क्या हो, 4 का एक गुणज हो। तो मुझे एक ऐसा सेट बनाना पड़ेगा कि माना एक सेट एक से संबंधित अवयव, तो यहाँ एक से संबंधित जो अवयव होंगे और जो क्या हो, 4 के गुणज हो, वो क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है। ये तीनों एक से संबंधित होते हैं। कैसे, कि भाई हमारा नियम क्या है, नियम है मॉड a माइनस बी करने पर वो 4 का पहाड़ा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 4 का पहाड़ा आना चाहिए। तो यहाँ a अगर मान लो मुझे एक, हर कंडीशन में एक तो लेना ही लेना है मुझे, और एक में से अगर मैं 5 को घटाता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 4, और 4 क्या है, 4 का गुणज है। अच्छा, एक में से 7 घटाता हूँ और उसका मॉड लेता हूँ तो वो भी क्या मिलता है मुझे, 8 मिलता है, और 8 क्या है, 4 का एक गुणज है, है ना। तो वो सेट क्या होगा, एक से संबंधित जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, 1, 5 और 7 एक से संबंधित होने चाहिए, और वो अवयव हमें बताने थे, हमने बता दिए वो क्या है, 1, 5 और 7। अब हम ये सेकंड कर रहे हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो सेकंड है कि ये जो संबंध है R, वो a कॉमा b के रूप में यानी क्रमित युग्म में होना चाहिए, जहां a बराबर हो b के, और ये भी हमें क्या करना है, तुल्यता संबंध करना है। देखो वहां एक लाइन लिखना भूल गया था, क्योंकि ये जो संबंध है वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, इसलिए संबंध R क्या है, तुल्यता संबंध है, वो एक लाइन आप लिख देना। अब इसमें भी हमें प्रूफ करना है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम z क्रॉस z का एक समुच्चय ले रहे हैं, है ना, या फिर यहाँ क्योंकि सेट a है तो आप a क्रॉस a लिख दो, a क्रॉस a का एक उप समुच्चय ले रहे हैं, जो क्या है, संबंध R है। और ये R किस प्रकार परिभाषित है, R है कि ये a कॉमा b के रूप में है, जहाँ प्रत्येक a बराबर है b के, है ना। अब हमें इसको स्वतुल्य प्रूफ करना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य की परिभाषा होती है a कॉमा a, और वो बिलोंग करता है R। अब क्यों, क्योंकि जो ये कंडीशन है वो इसमें लागू हो रही है, a बराबर b, तो a हमेशा a के क्या होता है, बराबर होता है, a हमेशा a के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम कहेंगे कि R यहाँ पर क्या है, स्वतुल्य है।
सममित होने के लिए हमें दो अवयव लेने पड़ेंगे, तो हम लेंगे ए और बी को। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन रखता है आर को, यानी संबंध है आर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि क्योंकि ए बराबर है बी के, तो ये तो हमने मानना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्या बी भी ए के बराबर आ जाता है क्या? बिल्कुल आएगा भाई, ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर नहीं होगा क्या? इसका उल्टा भी इसके बराबर होगा, तो ये हो गया ना, सममित भी हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बी कॉमा ए जो है वो भी बिलोंग करेगा आर को, क्योंकि क्योंकि बी किसके बराबर है, ए के बराबर। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसको लेकर चल के इसको लेके आ जाते, यानी कहने का मतलब आप ऐसे भी कर सकते भाई ए बराबर बी है, ठीक है। तो दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ आपके बी को इधर लेके आऊँगा और इसको इधर लेके आऊँगा, तो ये हो गया माइनस बी और ये हो गया माइनस ए, माइनस माइनस हट गया तो बी बराबर ए आ गया। अब क्योंकि बी बराबर ए है तो मैं कह सकता हूँ बी कॉमा ए बिलोंग करता है आर को, ऐसे भी लिख सकते थे और सीधा डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो जो आपके गुरु जी हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो, तो ये हो गया यहाँ पर, तो मैं कहूँगा कि आर क्या है, आर सममित है, आर क्या है, सममित है। फिर संक्रामक तीन अवयव चाहिए, उसमें से दो को हमको मानना पड़ेगा, तो मैंने तीन अवयव लिए ए कॉमा बी कॉमा सी, और वो तीनों ही किस में बिलोंग करते हैं, ए में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हमने माना है, क्या माना है, कि ए जो है वो बी से संबंध रखता है, तो अगर ए बी से संबंध रखता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के बराबर है। और इसी प्रकार हमें और मानना पड़ेगा कि बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, तो नियम कहता है कि बी भी बराबर होगा सी से, ये समीकरण एक, ये समीकरण दो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि बी से बी गया कौन बचा, ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग करता है आर को, करेगा, क्योंकि क्योंकि समीकरण एक और दो को देखो, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए क्या हुआ, सी के बराबर हुआ, है ना। अब हमारी ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसलिए R जो है वो क्या है, संक्रामक है, R क्या है, संक्रामक है। और जब R संक्रामक है, क्योंकि हमारा संबंध R, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। क्लियर। अब इसने कहा कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम कहेंगे कि यहां यहां संबंध आर के लिए, संबंध आर के लिए, आर के लिए एक से संबंधित अवयव, संबंधित अवयव जो है एक ही है, है ना, अवयव एक है, यानी इस सेट के लिए सिर्फ एक अवयव ही होगा, क्योंकि एक एक के ही बराबर है, और कोई भी संख्या जो है वो एक के बराबर नहीं हो सकती, एक 1.2 के बराबर कभी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हमारा जो नियम है वो क्या है, ए बी के बराबर होना चाहिए, तो एक एक के बराबर ही होगा, बाकी कोई संख्या एक के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारा जो वो समुच्चय होगा वो क्या होगा, केवल एक ही होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, थैंक यू। प्रश्न संख्या 10 है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जिसमें पहला है सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। तो आप ही को बताना है कि ऐसा कौन सा जो है संबंध हो सकता है। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिया कि एक सेट है मेरे पास ए, जिसमें तीन अवयव है 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। अब जब मैं ए क्रॉस ए करूँगा तो मुझे एक संबंध आर मिलेगा।
अब वो आर जो है मैं क्या ले लेता हूँ, आर वन ले लेता हूँ। तो यहाँ मैंने आर वन लिया है एक सेट जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। तो स्वतुल्य होता है कि भाई ए कॉमा बी अगर किसी सेट में है तो उस सेट में बी कॉमा सी भी होना चाहिए, है ना, सॉरी बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो यहाँ मैं पाँच से स्टार्ट करता हूँ, मैंने दो अभी लिए पाँच कॉमा छः, ठीक है, तो मैं क्या छः कॉमा पाँच भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मेरे पास ये एक सेट तैयार हो गया जिसमें ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, सममित हो गया। ध्यान देना ये मैंने कैसे बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ए क्रॉस ए जब हम करते हैं और इसके जब हम उपसमुच्चय बनाते हैं तो बहुत सारे उपसमुच्चय बनते हैं, लेकिन हमें वो उपसमुच्चय बनाना है जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। तो मैंने एक ऐसा उपसमुच्चय लिया जो केवल क्या है, सममित है। अब चेक करते हैं ये स्वतुल्य है क्या, स्वतुल्य हो ही नहीं सकता। स्वतुल्य की परिभाषा क्या है कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को, और यहाँ पर जो प्रत्येक अवयव है इस सेट का, पाँच कॉमा पाँच, छः कॉमा छः, सात कॉमा सात, इसमें मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। अब संक्रामक होने के लिए चेक करना है, तो देखो संक्रामक क्या होता है, ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो, और बी से बी कट गया क्या बचा, ए और सी, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिया पाँच कॉमा छः, छः कॉमा पाँच, छः से छः कट गया क्या बचा, पाँच कॉमा पाँच, और पाँच कॉमा पाँच इसमें है ही नहीं, इसलिए ये हमारा संक्रामक भी नहीं है। तो ये हमें क्या मिल गया, ये केवल जो सेट है वो केवल क्या है, सममित है। अब दूसरा देखो, दूसरा है संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही सममित हो। तो ये हमें जो है दूसरा संबंध चाहिए, इस ए क्रॉस ए से हमें एक ऐसा उपसमुच्चय बनाना है जो संक्रामक हो, केवल क्या हो, संक्रामक हो। और संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम तीन अवयव चाहिए। तो चलो पाँच से स्टार्ट करते हैं, मैंने ले लिया पाँच कॉमा छः, फिर ले लिया मैंने छः कॉमा सात, तो छः से छः कट गया क्या बचा, पाँच कॉमा सात। अब ये केवल संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, तो ये स्वतुल्य हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई भी अवयव ए कॉमा ए के रूप में नहीं है। सममित नहीं होना चाहिए, सममित क्या होता है कि भाई ए कॉमा बी हो लेकिन बी कॉमा ए भी उसमें होना चाहिए। तो इसमें देखो पाँच कॉमा छः है लेकिन क्या छः कॉमा पाँच इस सेट में है क्या, नहीं है। तो ये जो सेट हमने लिया है वो केवल क्या है, संक्रामक है। तीसरा है स्वतुल्य तथा सममित हो परंतु संक्रामक न हो। तो स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य कब हो सकता है, स्वतुल्य तभी हो सकता है जब इस सेट का प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध हो, यानी पाँच का पाँच से संबंध हो, छः का छः से संबंध हो और सात का सात से संबंध हो। तो हमने ये सेट ले लिया, लेकिन इसके आगे भी हमें लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो सममित भी होना चाहिए परंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक संबंध और लिया, पाँच कॉमा सात और सात कॉमा छः, मैंने देखो अलग अलग लिया है ना, तो अब सात से सात कट गया क्या बचा, पाँच कॉमा छः। लेकिन एक समस्या है, देखो समस्या ये हो जाएगी कि यहाँ वो सममित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। तो ये सममित कब होगा, यदि पाँच कॉमा सात है तो इसमें सात कॉमा पाँच भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा करने पर एक समस्या और हो जाएगी। देखो पाँच कॉमा सात हम लेंगे और सात कॉमा पाँच लेंगे तो सात से सात कटेगा और पाँच कॉमा पाँच बच जाएगा, तो पाँच और पाँच इसमें है, वो संक्रामक भी हो जाएगा। तो हमें तीन सेट और लेने पड़ेंगे। देखो इसको समझो क्या कहना चाहता हूँ मैं, जैसे मान लो मैंने इसके आगे लिया पाँच कॉमा छः, तो मुझे छः कॉमा पाँच भी लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। और यहाँ पाँच से छः से छः कटेगा तो बचा पाँच कॉमा पाँच, तो ये क्या होगा, संक्रामक भी हो जाएगा। अब हम यहाँ पाँच कॉमा सात ले रहे हैं तो सात और पाँच भी लेना होगा क्योंकि हमें ये सममित तो रखना ही है। लेकिन अब हुआ क्या, देखो ध्यान से देखना, इसमें और इसमें देखो, ये अवयव और ये अवयव को देखना कि अगर छः कॉमा पाँच है तो इसमें पाँच कॉमा सात भी है, है ना, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा सी भी है, तो बी से बी कटा तो ए कॉमा सी भी इसके अंदर होना चाहिए, और ए सी क्या है, छः कॉमा पाँच,
सॉरी 6.7, 6.7, और 6.7 जो है इसमें मेरे पास कहीं भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर ये क्या नहीं हो गया, ये संक्रामक नहीं हो गया, है ना, और हमें यही बताना था। तो इस तीसरे वाले में जो हमें है वो स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य है, वो सममित होना चाहिए, इसमें वो सममित है लेकिन वो संक्रामक नहीं है। अब चौथा है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो परंतु सममित ना हो। तो हम अगर 5.5 ले, 6.6 ले और 7.7 ले तो वो स्वतुल्य भी हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा और सममित भी हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि हमें सममित नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पांच कौमा छह भी ले लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि भाई संक्रामक हो जाएगा, कैसे कि 5.6 है लेकिन 6.5 इसमें नहीं है तो ये सममित तो नहीं होगा, लेकिन ये संक्रामक है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये 5 से शुरू हुआ, ये भी 5 से शुरू हुआ, तो 5 से 5 कटा तो क्या बचा, 5.6, है ना, और 5.6 इसमें पहले से है। बात समझ में आई भाई, देखो 5.5 इसके अंदर है तो 5.6 भी इसके अंदर है, 5 से 5 कटा तो क्या बचा, 5.6, 5.6, तो ये जो हमारे पास क्रमित युग्म है वो 5.6 का ही है। तो ये हमारा स्वतुल्य है, संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। अंतिम है कि सममित हो, संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य नहीं हो, है ना। तो स्वतुल्य होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 5.5 हो, 6.6 हो और 7.7 भी हो। लेकिन मैंने क्या करा, 5.5 ले लिया, 6.6 ले लिया, 7.7 यही नहीं। तो जब ये सेम अवयव के होते हैं, है ना, तो वो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक सभी होते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर 7.7 लिया ही नहीं, जबकि स्वतुल्य के लिए प्रत्येक अवयव होना जरूरी होता है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, सममित हो गया और संक्रामक हो गया परंतु स्वतुल्य नहीं हुआ। एक बात ध्यान रखना, आप कहोगे सर संक्रामक कैसे हुआ, तो संक्रामक कब होता है कि जब मान लो संक्रामक में 3 अवयव हो तो ये कंडीशन लागू होती है कि ए बी से संबंध रखता हो, बी सी से संबंध रखता हो और ए सी से भी संबंध रखता हो, तब ये कंडीशन लागू होती है, जब कितने अवयव हो, 3 अवयव हो। लेकिन अगर केवल 2 अवयवी हो, 5 और 6, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक संक्रामक हो जाता है, उसमें वो नियम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है, इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।